HTML के सीरीज में हम लोग हैं और आज हम लोग थोड़ा सा इनलाइन टैग और ब्लॉक लेवल टैग के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इनलाइन टैग और ब्लॉक लेवल टैग कैसे काम करता है वो समझते हैं। इसके लिए ना सबसे पहले ये बात समझ लेते हैं कि इनलाइन टैग जो टैग होता है वो अपने बगल में किसी और दूसरे टैग को आने देता है जो कि इनलाइन होना चाहिए, और ब्लॉक लेवल टैग वो टैग होता है जो अपने जस्ट नीचे आने देगा, बगल में आने नहीं देगा। ऐसे समझना थोड़ा मुश्किल है तो थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखो, जैसे ये पैराग्राफ लिखा तो ये लॉरेम पैराग्राफ वन, ये टू, ठीक है, दो पैराग्राफ लिखा। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के बगल में आएगा या नीचे आएगा ये उसके लेवल को डिसाइड करेगा। तो ऊपर नीचे आया यानी ये ब्लॉक लेवल टैग कहलाएगा, और अगर ये बगल बगल में आता जैसे मान लो एंकर टैग यानी ए टैग जो होता है, ए टैग से हम लोग लिंक बना सकते हैं कि होम, ये अबाउट, दो लिंक, ये कॉन्टैक्ट तीसरा लिंक, ये ईमेल सपोर्ट ये चौथा लिंक। ये देखो होम अबाउट कॉन्टैक्ट सपोर्ट कैसे आया, बगल में आया, तो इसे कहेंगे इनलाइन टैग। तो वो टैग जो आपस में एक दूसरे के नीचे आता है उसे कहते हैं ब्लॉक लेवल टैग, और वो टैग जो एक दूसरे के बगल में आता है उसे कहते हैं इनलाइन टैग। मैटर है इसमें कि इसको जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लगा रहे हो तो आपका कंटेंट किधर चला जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, बगल में आने वाला है या नहीं आने वाला। हालांकि इसको चेंज कर सकते हैं बाद में, जो इनलाइन उसको भी ब्लॉक बना सकते हैं, जो ब्लॉक उसको भी इनलाइन कर सकते हैं, वो CSS से कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो मिलता है वो HTML में यही मिलता है। तो चलो कुछ लिस्ट आउट कर लेते हैं कि कौन सा टैग इनलाइन है और कौन सा टैग ब्लॉक है। सब तो नहीं कर सकते लेकिन हाँ कुछ तो कर सकते हैं। तो इनलाइन टैग्स की बात करें तो ए टैग जैसे कि अभी आपने देखा, इसी तरीके से मैं काम करता हूँ कॉमा दे दे के लिख देता हूँ कितना लिस्ट बनाऊँगा। तो इसी तरीके से और भी जो टैग्स होते हैं जो इनलाइन अवेलेबल है वो हम आपको बता देते हैं, जैसे कि BR का टैग, ठीक है, जैसे कि I का टैग, U का टैग और लेबल टैग और इनपुट का टैग, मैं एंगुलर ब्रैकेट भी छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आप लोग बस लिख लीजिएगा, स्क्रिप्ट का टैग, एक मिनट, स्क्रिप्ट टैग, और इसके अलावा बहुत सारे हैं, मैं बस सिंपली थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, सूप का टैग, सब का टैग, IMG टैग यानी इमेज का टैग, ये सब क्या है, इनलाइन टैग्स हैं। कोड EM आउटपुट करके एक टैग होता है वो, स्पैन का टैग, स्लैक का टैग, ये सब ETC कर देते हैं। ये सारे टैग क्या होंगे, इनलाइन होंगे, और जो ब्लॉक होंगे वो कौन है, तो जैसे div नाम का एक टैग हो गया, H1 से लेकर S6 तक सबका सब टैग एक दूसरे के नीचे लाएगा, पैराग्राफ का टैग, HR का टैग, फूटर टैग, हेडर टैग, नेव टैग, कैनवास का टैग, सब में एंगुलर ब्रैकेट है मैं नहीं लिख रहा हूँ, सेक्शन का टैग, टी फूट का टैग, टी हेड का टैग, टेबल का टैग, ठीक है, फॉर्म टैग, हेडर टैग, ओ हेडर लिख दिया, प्री का टैग, OL, UL, LI, फिगर, ये सारे टैग क्या है, ब्लॉक लेवल टैग है। बस आपको डिफरेंस याद रखना है, जो टैग अपने बगल में कंटेंट को रिप्रेजेंट कर सके उसे कहते हैं इनलाइन, और जो एक दूसरे के नीचे यानी उस पूरे 100% विड्थ को यूज़ करे उसे कहते हैं ब्लॉक लेवल टैग। यही इसका बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे सेमेंटिक टैग और नॉन सेमेंटिक टैग के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।